एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपन बात करेंगे जो जमैका टी10 का आज के दिन का दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा मिडिलसेक्स यूनाइटेड स्टार्स वर्सेस मिडिलसेक्स टाइटंस के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको डेप्थ एनालिसिस करके दूंगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो है आपको लास्ट तक वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो मुकाबला है रात में 12 बजे स्टार्ट होगा, सेम ग्राउंड पर मैच है। स्पिन के लिए हेल्प है, एवरेज स्कोर 80 से 100 बनता है, 4 मैच हुए, चारों में चेज हुआ है। अब देखो, पहले बात करेंगे यूनाइटेड स्टार्स की टीम की। लास्ट मैच इनकी टीम हारी थी। ओपन करेंगे सुयान विल्सन और ससाने एंडरसन। सुयान विल्सन सिर्फ 9 रन कर पाया था और इससे पहले भी टी10 में इसके नाम 7 मैच में मात्र 42 रन है। ससाने एंडरसन 0 रन किया था, विकेट कीपिंग सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके नाम अगर आप देखोगे टी10 में 5 मैच में मात्र 38 रन है, जबकि टी20 में 18 मैच में 347 है। लेकिन क्योंकि सामने बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है तो इसलिए मैं इन पर ज़्यादा रिस्क लूंगा नहीं। डेमानी स्वेल हैं, 0 रन 2 विकेट इनके नाम थे, अच्छे ऑलराउंडर हैं। 11 मैच में 69 5 विकेट है 15 ओवर डाल के। यहाँ से विनरिस ग्रिप्स 2 ही रन कर पाए थे, नीचे भी बैटिंग की थी इन्होंने। और यहाँ से गिप्टन ब्रे, इन्होंने 11 रन किए थे क्लब टी20 में इनके नाम, 5 मैच में 116 23 का एवरेज है। फिर आएंगे यहाँ से मिल्टन मिल्स, इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो आप 24 रन किए थे फर्स्ट क्लास में इनके नाम, 5 मैच में 129 2 विकेट है 12 ओवर डाल के। अमोई कैंपेबल 15 रन किए, 1 विकेट निकाला, बैटिंग के साथ साथ इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग भी करवाई थी, इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुसाने एलन 2 नॉट आउट किया था। यहाँ से रॉक जॉन हेनरी, 1 विकेट इनको मिला था 2 ओवर डाल के, बॉलिंग करवा सकते हैं। जावेद विलियम्स 0 रन किया था और सेल्डन प्रयास 1 विकेट मिला था और इससे पहले क्लब टी20 में 3 मैच में 6 विकेट है। तो इनके ना मैं ज़्यादा प्लेयर रखूंगा नहीं क्योंकि इनकी टीम उतनी सॉलिड है भी नहीं। मैं यहाँ से रखूंगा डिमानी स्वेल को रखूंगा, एमओई कैंपेबल को रखूंगा और एक और प्लेयर में सेल्डन प्रयास को रखूंगा। एक और अगर आपको बॉलर चाहिए तो आप रॉक जॉन हेनरी के साथ जा सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे एस प्रयास, ए कैंपेबल, डी स्वेल और डेथ में आएंगे ए कैंपेबल, आर हेनरी, इनके बाद में डी स्वेल। सामने जो टीम है मिडिलसेक्स के टाइटंस की टीम, ये भी अपना मैच जीती थी। ओपन किया था व्यान डाविस और एल्बर्ट गोपी ने। व्यान डाविस ने 4 रन किए थे और ये विकेट कीपिंग सेक्शन में विकेट कीपिंग करते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। इसके नाम 11 टी10 में 160 16 का एवरेज है, जबकि क्लब टी20 में 5 मैच में 56 रन 14 का एवरेज है। एल्बर्ट गोपी ने 2 रन किए, 1 ओवर में 1 विकेट इनको भी यहाँ पर मिला था। टी10 में इनके नाम 7 मैच में 26 1 विकेट है 1 ओवर डाल के, जबकि क्लब टी20 में 5 मैच में 166 4 विकेट है 14 ओवर डाल के। क्लब टी20 में बहुत अच्छा करके आ रहे हैं। एंथनी ब्राउन 2 रन किए थे, डोमेस्टिक टी20 में 5 मैच में 40 रन है। रेनाल्डो इंग्राम ने 21 रन की, अच्छी नॉक खेली थी, अच्छी हिटिंग्स इन्होंने की थी। टी10 में 2 मैच में 7 रन, जबकि क्लब टी20 में 5 मैच में 42 है। डेमन ब्राइस 1 नो डाउट किया था, टी10 में इनके नाम 10 मैच में 82 रन 20 का एवरेज है, जबकि क्लब टी20 में 1 मैच में 46 0 विकेट है 3 ओवर डाल के। जेमी मर्चेंट, देखो पहले मैच में इनको 1 ही ओवर मिला था लेकिन ये उससे अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। 29 नो डाउट 1 विकेट था, 14 टी10 में 130 6 विकेट है 19 ओवर डाल के। कृष्णार संतोखी 1 विकेट मिला था, विकेट टैकल बॉलर, 10 मैच में 7 विकेट है। सबसे जो बड़ा ट्रंप आज के लिए रहेगा अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है, चार्ल्टन ब्रुक्स भले ही विकेट लेस रहा हो लेकिन इस बंदे ने अपने पूरे 2 ओवर डाले थे और फर्स्ट क्लास में ये 6 मैच में 23 विकेट लेके आ रहा है। तो अगर इसकी टीम पहले बॉलिंग कराती है तो आप इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो। एंडल गोर्डन 1 विकेट था, टी10 में 9 मैच में 10 विकेट। क्रिस्टोफर लेमंड को 4 विकेट मिले थे, सीपीएल में 4 मैच में 3 विकेट है। और सेल्डन एलन को बैटिंग बॉलिंग यहाँ पर नहीं मिली थी। अब यहाँ से मैं अभी पिक कर लेता हूँ व्यान डाविस, एल्बर्ट गोपी, आर इंग्राम, इनके अलावा जेमी मर्चेंट, के संतोखी, सी ब्रुक्स। और सी ब्रुक्स को मैं नहीं रख रहा अभी, सी ब्रुक्स को मैं तभी रखूंगा जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी। अभी के लिए मैं एंडल गोल्डन और क्रिस्टमन लेमंड को रख रहा हूँ। बाकी बेंच में जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे के संतोखी, सी लेमंड, ए गोर्डन, डेथ में आएंगे सी ब्रुक्स और ए गोपी। एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट। चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में भाइयों मैं आपको डेमो टीम दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो आपको वीडियो के टाइटल में जाकर मोर पर क्लिक करना है।
आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पर जैसे टैप करोगे तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी यहाँ पर अपन देख लेते हैं डेमो टीम। डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से व्यान डाविस और बैटिंग सेक्शन से अमोई कैंपेबल और उनके साथ आर इंग्राम को रखा है। बैट ऑलराउंडर सेक्शन से डी स्वेल, एल्बर्ट गोपी, सेल्डन प्राइस को रखा है और बॉलिंग सेक्शन से क्रिस्टोफर लेमंट, जेमी मर्चेंट, के संतोकी, आर हेनरी और एंडल गोर्डन को रखा है। कैप्टन सी लेमंट, वाइस कैप्टन जे मर्चेंट। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ आपको दिया हुआ है। थैंक यू।